आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज को श्रद्धांजलि। रामनवमी के दिन ब्रह्मलीन हुए थे प्रेमदास जी महाराज। शुक्रवार को संपन्न हुआ श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा। व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने पहुँचे मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के फैसले का उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने किया स्वागत। कहा, मस्जिद व मंदिर के लाउडस्पीकर का आवाज तेज होने से हॉस्पिटल के मरीज व स्कूल के बच्चों को होती है दिक्कत। आवाज कम होने से सभी लोग शांति से कर सकेंगे अपना काम, मिलेगी सभी को राहत। सबसे ज्यादा IGRS प्रार्थना पत्रों को डालने वाले फरियादियों के निस्तारण के लिए SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में IGRS मेगा मेले का किया गया आयोजन। सबसे ज्यादा IGRS डालने वाले फरियादियों की सुनी गई फरियाद। कहा, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से IGRS डालने वाले फरियादियों व IGRS का निस्तारण न करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन सहित अयोध्या धाम के साधुओं ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज सभी धर्म के लोगों का करते थे सम्मान। विश्व पृथ्वी दिवस पर स्कूली बच्चों ने SSP को पौधा भेंट कर दिया पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश। कहा, सभी को मिलकर बनाए रखना होगा पर्यावरण का संतुलन। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने जनपद वासियों को दी पृथ्वी दिवस की बधाई व शुभकामना। कहा, लोगों में जागरूकता के लिए जगह जगह पर किया जा रहा है पौधारोपण। और मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लॉ फैकल्टी की छात्राओं को दी गई वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी।